भारतीय मजदूर संघ केंद्र के आह्वान पर आज दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए निजीकरण एवं निगमीकरण के विरोध में भारतीय मजदूर संघ वाराणसी के नेतृत्व में जिले के संबंध समस्त यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने, जिसमें रेल, विद्युत, प्रतिरक्षा, बैंक, बीमा, भेल, इंजीनियरिंग, सीमेंट, शुगर, बेकरी, होटल, पोस्टल, परिवहन, आंगनबाड़ी, प्रिंटिंग, जलकल, भारतीय रेल, डाक एवं अनेक क्षेत्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम पब्लिक सेक्टर बचाओ देश बचाओ संबंधित ज्ञापन, जिसमें प्रमुख रूप से विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण, निगमीकरण, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने, श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी नीतियों के परिवर्तन के विरोध में जैसे मांगों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री का नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया। आज हम लोग पूरे देश में पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए, पब्लिक सेक्टर में जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो सरकारी उपक्रम है, उनको बचाने के लिए जो सरकार निजीकरण निगमीकरण के जो अध्यादेश ला रहे हैं, जिनकी योजनाएं हैं ब्यूरोक्रेट्स की सलाह पे, उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने एक यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन को आज हम लोगों ने पूरे देश के सारे जिला मुख्यालयों पर सौंपा है, उसी के अंतर्गत आज वाराणसी में भी सौंपा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भारतीय मजदूर संघ एक आह्वान करती है कि जो पब्लिक सेक्टर हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनको बचाने से एकदम उनकी रक्षा करें, उनको कदापि निजीकरण के हाथों में न जाने दें। ये पूंजीपति जो होते हैं वो सिर्फ अपने व्यवसाय के लिए, अपने लाभ के लिए ऐसा करते हैं। भारत कल्याणकारी देश है, सार्वजनिक उपक्रम ही ऐसे उपक्रम है जो देश की जनता के कल्याण के साथ साथ लाभ कमाने का काम करती है। निजी क्षेत्र के जो उपक्रम है वो सिर्फ लाभ कमाने का काम करती है। सार्वजनिक क्षेत्र ने, सरकारी उपक्रमों ने समय समय पर सिद्ध किया है, उसका एक बड़ा उदाहरण कोरोना काल भी रहा है, जब सारे लोग लॉकडाउन था, अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, सब लोगों के घर में राशन सामग्री पहुंच रही थी, बिजली पहुंच रही था, रेल से यातायात चालू था, सारी व्यवस्थाएं चालू थी, तो उसके पीछे अगर किसी का हाथ था, किसी का पसीना था, किसी का खून था, तो सार्वजनिक उपक्रम और सार्वजनिक सरकारी उपक्रम थे। ऐसे उपक्रमों को निजीकरण निगमीकरण ना करें, यही आह्वान है मोदी जी से। इस पर पुनर्विचार करें, जो इनका जो नीति है इस पर पुनर्विचार करें। ऐसे मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।